तो भाई इस मांझे का यार आप कलर देखो यार, कितना प्यारा कलर है, एकदम हल्का ग्रीन, मतलब दिल ही आ गया भाई इस मांझे में मेरा। क्या मांझा यार, यहाँ पे देखो पन्नी वाली पतंग से मैं लड़ा रहा हूँ, पूरी पतंग मैंने बैठा दी है, ये उठाई मैंने ऊपर, काफ़ी तेज़ी से वो मेरे झोल के पास आया है और भाई काट दी उसने मेरी पतंग यार। क्या पतंग काटी है उसने, ऊपर से मेरी पतंग नहीं नीचे से हमारा अपोनेंट काफ़ी तेज़ी से उठाते हुए ला रहा है, ये मैंने गद्दा मारा, मेरी पतंग उसके हाथ कर गिर गई और पेज हमने काट दिया ये वाला। बहुत देर से मैं ऊपर से था, अब हमारा अपोनेंट नीचे से आ गया, अंदर की दिखाई उसने, काट दी पतंग। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिशियल। तो भाई जब मैं कल आप लोग के लिए वीडियो बना रहा था ना एकदम शाम को, तो ये हमने एक पतंग पकड़ी थी कल शाम के टाइम, जो आपने कल वीडियो देखी होगी उसी में ये पतंग मैंने पकड़ी थी। तो आज हम इसी पतंग को उड़ाएंगे। सबसे पहले देखो, जो पतंग जिसने भी उड़ाई होगी, किसी बच्चे ने उड़ाई थी, तो इसने एक तो टेपिंग नहीं करी थी, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने टेपिंग करी, और दूसरी बात इसने कन्ने बहुत बड़े बांध रखे थे, तो मैंने कन्ने भी इसके सही करे, मैंने एकदम मीडियम कन्ने बांध दिए जैसा कि मैं कन्ने उड़ाता हूँ। और पतंग मैं आपको दिखाऊँ कि किस कारीगर की ये पतंग है, तो इसमें AKC कुछ लिखा है, नीचे नंबर लिखा है, पूरी स्टैम्प क्लियर नहीं है। लेकिन पतंग से ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे, पतंग तो भाई रोज ही कट के आती है, लेकिन जो मांझा कल कट के आया था ना, मांझा ये है अपना, कॉटन ही मांझा है, लेकिन भाई मांझे का कलर मैं आपको दिखाऊँ तो इतना प्यारा कलर है, आप ये देखो एक बार, फोकस हो गया। तो यहाँ पे भाई आप कलर देखो यार मांझे का, क्या कलर है भाई, मेरा तो दिल ही आ गया इस मांझे के कलर में, एकदम लाइट ग्रीन मांझा है। तो देखते हैं भाई इस कलर का मांझा कैसा लड़ता है, तो अभी इस पतंग को पार करते हैं और फिर काइट फाइटिंग करके दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे एक पतंग भी कट के आ गई, जैसे हम छत में चढ़े तो देखो आप सोच सकते हैं, मतलब पतंग कट के जाती रहती है मेरे घर के ऊपर से, जब भी आप छत में चढ़ोगे कोई ना कोई पतंग आपके आजू बाजू से निकल के जाती रहेगी। और बच्चे यहाँ पे भाई दिन भर छत में चढ़े रहते हैं पतंग लपेटने के लिए, देखो आगे ही पतंगें उड़ रही हैं, सब लपेटने वाली हैं, मेरे ख्याल से ये पतंग कोई लपेट ही लेगा, गिनने तो नहीं देगा। तो हम अपनी पतंग उड़ाते हैं और जो आगे पतंगें उड़ रही ना इन्हीं से भी लड़ा के दिखाते हैं। तो देखो ये रही पतंग, यही भाई वो मांझा रहा जो मैंने अभी दिखाया था आपको। तो फिर देर किस बात की, करते हैं पतंग को पार। ये चली भाई हमारी पतंग, और देखो अगर आप पतंग पार जब करते हो ना तो एक उसमें हाथ जरूर मार लिया करो, मतलब उसे खींच के जरूर देख लिया करो कि वो सीधी है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने खींची हल्की सी पतंग अंदर की, लेकिन इतना चल जाएगा इतने छोटे पेजों में, तो आप इसे डायरेक्ट पार करते हैं दिखाते हैं। हवा देखो आज जो हवा चल रही है एकदम नॉर्मल हवा है, तो मुझे भाई जैसे ना नॉर्मल हवा को मीठी हवा भी कहते हैं काफ़ी लोग, जैसे कि पतंग ऊपर जाके एकदम से तन जाती है, ये हवा मुझे भाई बहुत पसंद है, क्योंकि इस हवा में बहुत मज़ा आता है पेड़ उड़ाने में, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आराम से पेड़ उड़ाओ, तेज़ हवा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है पतंगबाजी में। अब यहाँ पे हमारा पेज आ गया, तो देखो रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग है, मैं ऊपर से उड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है नीचे से है, ये उसने एकदम स्ट्रेट खींची थी, और मैंने देखो बाहर का निकलता हुआ मारा है, अगर कोई स्ट्रेट खींचे ना बंदा तो आप थोड़ा क्रॉस में बाहर को निकलता हुआ मारो, लेकिन आपकी खींच तेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखो पहला पेज काट दिया, वो कट के जा रही है उसकी पतंग। सामने देखो एक पन्नी की पतंग दिख रही होगी, अभी हम इसी से उड़ाते हैं, तो देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग रही और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग रही, वो नीचे से उड़ाएगा, हम ऊपर से उड़ाएंगे। ये चला मैं देखो, उसने काफ़ी नीचे कर ली, मैंने पतंग अपनी बचा ली है, और भाई अरे यार ये क्या पेज काट दिया इसने, भाई पन्नी की पतंग वाले ने कुछ भी कहो पेज बढ़िया काटा, उसने एकदम मेरा झोल ही काट दिया, मुझे मौका ही नहीं दिया झोल समेटने का, मेरा वो झोल ही काट के ले गया। अभी देखो पीछे से मैं पतंग दिखाओ ना, पीछे से काफ़ी ज़्यादा पतंगें लड़ रही हैं मेरे खोपड़े के ऊपर ही लड़ रही हैं एक तरीके से, और मेरे सर के ऊपर ये लोग मुड्डे मारते हैं और फिर अपनी पतंग बचा लेते हैं, और मुझे भी डर रहता है कहीं मेरी सर्दी से ना काट जाए यार। और इससे पहले वाला पेज तो आपने देखा ही होगा यार, कहते हैं ना किसी बच्चे को मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए, अब पन्नी की पतंग उड़ रही थी, मैंने कहा यार क्या खींच मारेगा ये, और वही बंदा मेरा झोल काट के चले गए, मैं झोल तक नहीं समेट पाया। तो यार पतंगबाजी यही है, बच्चा बच्चा काट देता है। अब यहाँ पे हमने एक और पतंग पार कर ली, देखो हमारा पेज भी आ गया है, रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग रही, मैं ऊपर चढ़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग रही, ये पूरी पतंग मैंने पटक दी है,
और यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा था मुझे खुद ही नहीं पता चला जब मैं ये वीडियो देख रहा हूँ दोबारा। पता नहीं यार कौन सा पेज कटवा लिया ये भी मैंने। तो दूसरी पतंग भी हमारी कट गई है। अब देखो दो पतंगें हमारी कट गई, तो यहाँ पे मैंने अपनी एक और पतंग पार कर ली है और सामने देखो काफ़ी ज़्यादा पतंगें उड़ रही हैं। अब भाई जब पहली पतंग हमने पन्नी से कटवा ली इतनी बुरी, तो आप क्या सोच सकते हो, दूसरी पतंग भी कट गई यार, और ये वाली पतंग मुझे लग रहा है कट ही जाएगी। चलो देखते हैं क्या होता। तो देखो रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग रही, मैं नीचे से उड़ा रहा हूँ और ऊपर से एक बंदे की पतंग आपको दिख रही होगी, अभी उसने ऊपर कर ली, मैं दिखाता हूँ। आजा यार कैमरे में आजा, अपनी झलक दिखला दे। ये देखो ब्लू सर्कल के अंदर उसकी पतंग है, वो ऊपर से उड़ा रहा है और मेरी पतंग नीचे से है। अब ये बंदा बिल्कुल पतंग पटक नहीं रहा है। काफी देर हो गई, देखो मैं पूरी पतंग खड़ी करके दे रहा हूँ भाई, कुछ तो कर, लेकिन वो कुछ करना ही नहीं चाह रहा है, बार बार अपनी पतंग बचा ले रहा है। आ गया लगता मार देगा मुड्डा, फिर बचा ली। नहीं नहीं वो नीचे से आना चाह रहा, चलो नीचे से आने देते हैं इसे। ये हम ऊपर से गए, ये मारी हमने बाहर की, ले गया भाई, ये भी ले गया, ये उसने अंदर की दिखा दी। तो ये वाली पतंग भी हमारी कट गई। अब तीन पतंग कटवाने के बाद एक और हमने अपनी पतंग पार कर ली है। बेशरम हम बहुत हैं यार, आप कितनी काट दो पतंग हम पार करते जाएंगे। तो देखो रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग ने, मैं ऊपर चढ़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग नीचे से आ रखा है। ये पतंग उनने खड़ी कर दी, हमने मारा गद्दा और हमारी पतंग देखो उसके हाथ की तरफ की गिरी और हमने ये वाला पेज काट दिया। तो चलो भाई फाइनली तीन पतंगें हमारी कटी और फिर हमने एक पतंग काट दी है। अब ये पतंग और भी उड़ रही हैं, उनसे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखो हमारा एक और पेज आ गया है। रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग ने, मैं ऊपर से उड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग ने, वो नीचे से आ रखा है। बीच में एक और बंदा अपनी पतंग ला रहा था, बचा ली उसने। चला मैं देखो उसके मुंह के पास, बनाया बाहर का, कट गई भाई ये भी कट गई। जब दिन नहीं होता ना तो खेज भी आपसे नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हमारी ये वाली पतंग भी कट गई है। तो दोस्तों अब वो देखो हो गई है शाम, पतंगबाजी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आज मैं अगर पतंग उड़ाऊंगा ना तो मेरी ज़्यादातर पतंगें कटेंगी क्योंकि आज मेरा दिन नहीं है। अभी फिलहाल मैंने चार पतंगें कटवा ली, मैंने वीडियो में भी आपको दिखा दिया, और सिर्फ हमने दो पतंग काटी हैं। तो आप सोच सकते हो जब दिन नहीं होता तो ज़्यादा पतंगें नहीं उड़ानी चाहिए, बेफालतू में आप कट जाओगे। अब देखो पतंगबाजी अभी भी अच्छी खासी हो रही है, लेकिन यहाँ तो भाई रोज का है, आज ही उड़ाएंगे तो कल उड़ाएंगे, कल काटेंगे। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और काइट कटिंग की। तब तक के लिए बाय।